नमस्कार दोस्तों, अगर आपकी हड्डी टूट गई है और आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी हड्डी कितने दिन में जुड़ जाएगी और आप कब तक चल पाएंगे, प्लास्टर निकल गया है, कब तक चल पाएंगे, कब तक हम साइकिल चला पाएंगे, कब तक हम मेहनत का काम कर पाएंगे, तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो अंत तक हमारा इस वीडियो देखिएगा और अगर आपको पसंद पड़ेगा तो इस वीडियो को उन तमाम लोग जिनका हड्डी टूटा है उनके पास शेयर भी करिएगा, क्योंकि आज के ज़माने में शेयरिंग इज केयरिंग। तो दोस्तों, मैं ये चीज़ बताना कि कितना दिन में ठीक हो जाएगा, तो ये चीज़ एक हमारा पुराना एक वीडियो है जिसमें हमने ये बताया है कि हड्डी टूटा, प्लास्टर लगा, ऑपरेशन हुआ तो कितना दिन में हड्डी जुड़ जाता है। वो वीडियो आप ज़रूर देखिए, आप हमारे इसमें जाइए लिंक में और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने दिन में हड्डी जुड़ता है। दूसरा चीज़ कि हड्डी जुड़ गया, चाहे प्लास्टर निकल गया, तो ऐसा नहीं है निकलते निकलते आप सब कुछ करने लगेंगे, कुछ दिन तक तो हाथ जाम रहता है। उसके लिए भी हमारा एक वीडियो है कि कितना दिन तक हाथ, चाहे पैर प्लास्टर लगाने के बाद से, चाहे प्लास्टर खोलने के बाद से जाम रहता है, उसको भी जरूर देखिए। और तीसरा कि अगर प्लास्टर निकल गया, जाम भी निकल गया, तो ऐसा नहीं है कि तुरंत आप सब कुछ करने लगेंगे, चलने में थोड़ा कष्ट रहेगा, चलेंगे तो थोड़ा पैर में सूजन हो जाता है, दिन भर चलेंगे शाम को पैर में सूजन हो जाएगा, पैर लटका के रखेंगे पैर में सूजन हो जाएगा, वो धीरे धीरे ही ठीक होता है। कितना बार तो 5-6-7 महीने लग जाते हैं। और एक चीज और है कि जो बार बार लोग पूछते हैं कि सर हम कितना दिन में खूब अच्छा चलने लगेंगे, पहले जैसा चलने लगेंगे, कितना दिन में हम पूरा वजन देने लगेंगे, कितना दिन में हम गाड़ी चलाना शुरू कर देंगे, कितना दिन में हम सीढ़ी चढ़ना उतरना शुरू कर देंगे, तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इसका जवाब कोई डॉक्टर नहीं बता सकता, इसका जवाब आपके पास है। वो पुराने हमारे दो वीडियो देख लीजिएगा, उससे आपको बहुत जानकारी मिल जाएगी। लेकिन अगर फिर भी आप उसके आगे आप जानना चाहते हैं कितना दिन में हम नॉर्मल हो जाएं, कितना दिन में हम साइकिल चला सकते हैं, कितना दिन हम बाइक चला सकते हैं, तो उसका जवाब यही है कि आपको ये आप बता सकते हैं, एज ए डॉक्टर मैं नहीं बता सकता हूँ। या फिर आप जाइए, आप किसी क्लिनिक में मिलिए डॉक्टर से, वो आपको बता पाएंगे जो फेस टू फेस देख रहे हैं। हम ऑनलाइन आपको ये बता पाना, चाहे दूर से हमको बता पाना, फोन पे हमको बता पाना मुश्किल है। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप समझ सकते हैं कि हम कौन सा काम कर सकते हैं और कौन सा काम नहीं कर सकते हैं। जानना चाहते हैं तो उसका आंसर है, इसका आंसर यही है कि आपका खुद शरीर बताता है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। एक्चुअली जो चीज कर सकते हैं उसको करने में आपको कष्ट नहीं होगा, वो आप आराम से चल सकते हैं, कर सकते हैं। जो मिनिमम टाइम है, जो बताया गया है, जो हमारे पिछले दो वीडियो में है, उसको देखने के बाद से भी कुछ समय लगता है और वो समय आप खुद ही डिसाइड करते हैं। अगर आपको मोटरसाइकिल चढ़ने में, उतरने में, गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है और एक्चुअली आपका शरीर बोलता भी है कि मेरे से होगा कि नहीं होगा, जो आपका बॉडी बोल रहा है, जो आपका दिमाग बोल रहा है कि हमारे से होगा, वो आप कर सकते हैं। आपको लगता है कि हम सीढ़ी चढ़ सकते हैं कि नहीं, चढ़े कि नहीं चढ़े, आपको खुद आपका बॉडी बताता कि हमको सीढ़ी चढ़ना चाहिए कि नहीं चढ़ना चाहिए। अगर वो चढ़ने के लिए आपका बॉडी खुद आपका मन मना कर रहा है, दूसरा चीज आपको करने में कष्ट हो रहा है, तो वो काम नहीं करना। लेकिन अगर आप आराम से कर पा रहे हैं, आपका बॉडी का, आप अपने बॉडी को जितना अच्छा से आप समझते हैं उतना कोई दुनिया में नहीं समझ सकता, इस बात को समझिए। आप अपने बॉडी को जितना अच्छा आप समझ सकते हैं कोई डॉक्टर नहीं समझ सकता, क्योंकि हर आदमी की हीलिंग पावर अलग है। एक ही जख्म किसी को 3 महीना लग जाता है, वैसा ही जख्म किसी को 15 दिन में भी ठीक हो जाता है। ये हर आदमी की जख्म भरने की प्रक्रिया अलग है, हर आदमी को अपनी अलग कैपेसिटी है, जो हम एक रूटीन और फॉर्मूला के आधार पर हम आपको नहीं बता सकते, और वो सबसे अच्छा आप जज कर सकते। आपको लगता है कि हम सीढ़ी चढ़ सकते हैं तो आप कोशिश करिए, और कोशिश करने में अगर आपको दर्द नहीं हो रहा है, तकलीफ नहीं हो रहा है, तो आप चढ़ सकते हैं। आपको लग रहा है कि हम साइकिल चला सकते हैं तो साइकिल चलाने की कोशिश करिए, अगर साइकिल चलाने की कोशिश में अगर आपको दर्द हो रहा है तो थोड़ा बचाइए। अगर आपको कोई कष्ट नहीं हो रहा तो आप साइकिल चलाइए, बिल्कुल चला सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि अब हम बिना किसी सहारे के चल सकते हैं तो चलने की कोशिश करिए, अगर चलने में दिक्कत हो रही है तो थोड़ा बचाइए, ऐसा नहीं जबरदस्ती ना करिए, लेकिन अगर आपसे चला जा रहा है तो आप चल सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं वहां से कूद सकता हूं, अब मेरा पैर में है उतना ताकत, आपका मन बोल रहा है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन करने में अगर आपको लग रहा है कि कोई दिक्कत है तो थोड़ा वेट करिए, ऐसा नहीं जबरदस्ती ना करिए। इसी फॉर्मूला हर चीज के लिए अप्लाई है और इस चीज को अप्लाई करिए, इसमें आपका हार्म नहीं होगा। फिर भी अगर कहीं का कोई कंफ्यूजन हो तो आप अपने लोकल डॉक्टर्स को,
जो भी आप ऑर्थोपेडिक सर्जन्स को दिखाते हैं उनसे मिलिए, उनसे राय लीजिए। मुझे आशा है आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए। थिंक हेल्दी, बी हेल्दी, लव यू ऑल।